तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम करेंगे क्लास सेवेंथ का प्रैक्टिस सेट 45। ठीक है, 45 करने से पहले सबसे पहले दो फॉर्मूला है जो हमें याद होना चाहिए। पहला फॉर्मूला है एरिया ऑफ स्क्वायर का। तो एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है? साइड का स्क्वायर। और दूसरा फॉर्मूला है एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है? एल इंटू बी मीन्स लेंथ इंटू ब्रेथ। ओके, चलिए तो हम क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। अभी देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। इफ द साइड ऑफ अ स्क्वायर इज 12 सेंटीमीटर फाइंड इट्स एरिया। स्क्वायर का साइड कितना है? 12 सेंटीमीटर, तो हमें इसका एरिया निकालना है। ठीक है, तो साइड ऑफ अ स्क्वायर कितना है? 12 सेंटीमीटर। सो देयरफॉर एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड का स्क्वायर। इट मीन्स 12 का स्क्वायर, और 12 का स्क्वायर होता है 144, एंड सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर एंड स्क्वायर सेंटीमीटर, क्योंकि एरिया जो है वो हमेशा किस में आता है? स्क्वायर सेंटीमीटर में आता है। तो इस तरह से हमने हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कर लिया है? सॉल्व कर लिया, हमने एरिया ऑफ स्क्वायर निकाल लिया। ओके, चलिए अभी सेकेंड क्वेश्चन हम करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या दिया है? इफ द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 15 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज 5 सेंटीमीटर फाइंड इट्स एरिया। अगर लेंथ 50 सेंटीमीटर है और ब्रेथ 5 सेंटीमीटर है तो हमें एरिया निकालना है। ठीक है, तो इन रेक्टेंगल लेंथ कितना है? लेंथ मीन्स एल कितना है? 15 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज कितना है? ब्रेथ 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमें इसका एरिया निकालना है। देन एरिया ऑफ रेक्टेंगल इसका फॉर्मूला होता है एल इंटू बी। इट मीन्स 15 इंटू 5, और 15 इंटू 5 करेंगे तो 75 सेंटीमीटर, 75 स्क्वायर सेंटीमीटर, क्योंकि एरिया का हमेशा आंसर स्क्वायर में आता है। ठीक है, तो हम ये इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर ऐसे लिख सकते हैं, 75 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, चलिए अब थर्ड क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या दिया है इसमें? द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इज 102 स्क्वायर सेंटीमीटर। इफ इट्स लेंथ इज 70 सेंटीमीटर, व्हाट इज इट्स पेरिमीटर? ठीक है, तो जो अभी दिया है उसको हम लिखते हैं और फिर इसको हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या दिया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो गिवन क्या क्या गिवन है उसको लिखते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 102 स्क्वायर सेंटीमीटर, एंड लेंथ उसका कितना है? 17 सेंटीमीटर। तो हमें पेरीमीटर निकालना है। ठीक है, तो पेरीमीटर का फॉर्मूला हमें पता है, लेकिन सबसे पहले हम क्या निकालते हैं? ब्रेथ निकालते हैं, उसके बाद से पेरीमीटर का फॉर्मूला यूज करेंगे और फिर निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू एल इंटू बी। तो एरिया कितना है? 102, और लेंथ है 17, और ये है बी, तो हमें निकालना है 102 और 17 इधर आ जाएगा, तो हो जाएगा हमारा डिवाइड में। ठीक है, अभी 17 सिक्सा क्या होता है? 102, तो हमारा ब्रेथ कितना आया? 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए हमारा लेंथ और ब्रेथ दोनों आ चुका है, तो हम लोग पेरीमीटर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 एल प्लस बी। ये होता था फॉर्मूला, तो 2 एल मीन्स 17 एंड ब्रेथ में 6, तो 2 इंटू 7 और 6 को जोड़ेंगे तो 23 मल्टीप्लाई कर 2 6 2 4 8 मीन्स कितना आया हमारा पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल? कितना आया? 46 सेंटीमीटर। तो इस तरह हमने हमारा थर्ड क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया। अब फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए अभी फोर्थ वाला क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करते हैं। फोर्थ वाला क्वेश्चन क्या दिया है? इफ द साइड ऑफ द स्क्वायर इज ट्रिपल, हाउ मेनी टाइम्स विल इट्स एरिया बी एज कंपेयर टू द एरिया ऑफ द ओरिजिनल स्क्वायर? ठीक है, तो अगर क्या होगा, जो स्क्वायर का साइड है वो क्या हो जाएगा? ट्रिपल हो जाएगा, मतलब तिगुना हो जाएगा।
तो फिर हमें उसका ओरिजिनल स्क्वायर से उसका क्या रिलेशन है वो हमें निकालना है। तो चलिए इसे करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सपोज साइड ऑफ अ स्क्वायर इज ए। स्क्वायर का साइड हमने क्या सपोज किया, ए। तो उसका एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू ए का स्क्वायर। ठीक है, लेकिन एक और क्या क्वेश्चन में क्या कंडीशन दिया है, इफ द साइड ऑफ अ स्क्वायर, इफ द साइड ऑफ अ स्क्वायर इज ट्रिपल, क्या होता है ट्रिपल, देन साइड क्या हो जाएगा, साइड विल बी थ्री ए। ठीक है, पहले ए था लेकिन फिर जब वो ट्रिपल हो जाएगा तो हो जाएगा हमारा थ्री। तो अभी एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ न्यू स्क्वायर, न्यू स्क्वायर का एरिया क्या हो जाएगा, थ्री ए का स्क्वायर मीन्स नाइन ए का स्क्वायर। अब देखिए क्या है, ये नाइन टाइम्स है किसके, जो ओरिजिनल वाला स्क्वायर था उसके। तो हम इसका लिख देंगे आंसर, एरिया ऑफ न्यू स्क्वायर इज नाइन टाइम्स टू एरिया ऑफ ओरिजिनल स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से हमने हमारा यह वाला जो प्रैक्टिस सेट था उसे सॉल्व कर लिया। आपके आपको समझ में आया हो, सो थैंक यू।